नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन आपके अपने YouTube चैनल गजराज टेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप काइनमास्टर का यूज़ करके अपने मोबाइल पे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की तरह एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, उसका नाम है काइनमास्टर। आप प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा ओपन करने के बाद। यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, 16 नाव का साइज लेंगे। यहाँ से दोस्तों एक बैकग्राउंड हम ले लेंगे। ये बैकग्राउंड ले लिया मैंने, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको लंबा कर लेंगे यहाँ से। ये दोस्तों यहाँ से हमने इसको लंबा कर लिया है। अब यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए आ गया है, इसको ओके यहाँ से कर देंगे। लेयर पर क्लिक कर देंगे, अब मीडिया पर जाएंगे। यहाँ से दोस्तों एक फ़ोटो हम ले लेंगे। ये हमने फ़ोटो ले लिया है, इसके ऊपर क्लिक करके लेफ़्ट साइड में क्लिक करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट को साइड में कर लेंगे और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे दोस्तों, छोटा कर लेंगे इसको। और इन दोनों को लास्ट तक ऐसे खींच देंगे। पहले ये पहले भी हम कर सकते थे, लेकिन चलो भूल गए, कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। इन दोनों को ऐसे पकड़ के लास्ट तक खींच देंगे ऐसे। ये चलिए, ये देखिए हमने यहाँ तक खींच दिया है। और अभी यहाँ से क्रॉपिंग में जाके इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉपिंग में जाके इसको शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से लव शेप में इसको कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये देखिए ओके कर लेंगे। अभी इसको इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी क्रॉप कर लेंगे। शेप में जाके यहाँ से शेप ले लेंगे, ये शेप हमने इसके लिए ले लिया है, ओके कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ले लेंगे और इसको इसके नीचे सेट कर देंगे। ये देखिए ये सेट कर दिया है। यहाँ से ओवरऑल एनिमेशन में जाके यहाँ से इसको रिंग बना देंगे। ये देखिए रिंग बना दिया है, यहाँ से कर देंगे ओके। और दोस्तों इसको अभी हम कर देंगे एक्सपोर्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। चलिए एक्सपोर्ट हो रहा है दोस्तों। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, स्किप मत कीजिए। बहुत ही सरल तरीका बताऊँगा मैं आपको वीडियो एडिटिंग का, देखते रहिए। ये दोस्तों अभी अपना एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा सा बचा है, देखते रहिए। चलिए एक्सपोर्ट हो गया है दोस्तों, इसको करेंगे बैक। बैक आएंगे यहाँ से दोबारा, प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से साइज़ ले लेंगे, यहाँ से दोबारा बैकग्राउंड ले लेंगे। ये हम वाइट बैकग्राउंड लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इसको लंबा कर लेंगे। ये देखिए इसको ऐसा खींच के लंबा कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और यहाँ से दोस्तों हमने कुछ बैकग्राउंड चूज़ किया है, वो बैकग्राउंड हम ले लेंगे। ये देखिए यह बैकग्राउंड, इसको भी पूरे स्क्रीन में कर देंगे, ऐसा खींच के इसको लंबा कर देंगे और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। ये देखिए ये आ गया फुल स्क्रीन, ओके कर देंगे। अभी दोस्तों लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किया था उसको अभी ले लेंगे। ये देखिए ये हमने ले लिया है वीडियो, इसको क्रोमा की के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ से इनेबल कर देंगे, दोनों का साइज़ 50-50 कर देंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से ओके कर देंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको छोटा करके ऐसा ऊपर में सेट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर अभी लेफ़्ट साइड में देखिए की आइकॉन बना है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इसको यहाँ तक आगे खींच देंगे ऐसे, और इसको यहाँ पे नीचे ले लेंगे ऐसे, थोड़ा बड़ा कर देंगे नीचे लेके। ये देखिए ये देखिए ये यहाँ करके इसको ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसको कर दिया है ओके। दोस्तों अभी हम जाएंगे दोबारा लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, लेयर में जाके मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाके एक्सपोर्ट
वही वीडियो हम दोबारा लेंगे जो हमने अभी लिया था, क्रोमा की के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको इनेबल कर देंगे, यहाँ से 50-50 उसको मिला लेंगे, और दोस्तों यहाँ से ओके कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करके ये दोनों को आपस में ऐसे मिला लेंगे, उनका जो साइज़ है सेम कर लेंगे यहाँ से, और दोबारा क्रोमा की के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे खींच देंगे, आगे खींच के इसको उठा के यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए इसको उठा के यहाँ पे कर लिया है, ये बराबर कर देंगे दोनों को, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पे अपना आ गया है, आप देख रहे हैं दोस्तों। अभी दोस्तों आपको करना क्या है, ये यहाँ पे आ गया है ऐसे, अभी यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना है दोस्तों। लेयर में दोबारा हम जाएंगे, लेयर में जाके यहाँ पे मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाके व्हाट्सएप में जाएंगे, और यहाँ से एक फ़ोटो ले लेंगे दोस्तों। ये हमने फ़ोटो लिया है, इसको यहाँ से छोटा कर लेंगे, यहाँ पे ऊपर सेट कर देंगे, क्रॉपिंग में जाके इसको क्रॉप कर लेंगे, इसका शेप जो है हम गोल कर लेंगे। ये देखिए गोल कर लिया है, इसको गोल करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ चला के कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। अभी दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जाएंगे लेयर में जाएंगे, यहाँ से ओवरले में जाएंगे, ओवरले में जाके यहाँ से लेंगे स्पॉटलाइट, जो भी आपको स्पॉटलाइट चाहिए दोस्तों यहाँ से हम ले लेंगे। कौन सा लेंगे, लाइमलाइट लेंगे दोस्तों, ये वाला लाइमलाइट हम लेंगे यहाँ से, ग्रीन वाला ले लेंगे, ग्रीन वाला ले लेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा पहले थोड़ा बैक करना पड़ेगा, तो यहाँ तक ऐसे खींच देंगे। ओके अभी यहाँ से इसको ऐसे रोटेट कर लेना है, रोटेट करके इस कोने में इसको ऐसे लगा देना है दोस्तों, इसको कर देना है ओके। दोबारा दोस्तों लेयर में जाएंगे, ओवरले में जाएंगे, दोबारा एक लाइमलाइट हम लेंगे, वही लेंगे ग्रीन वाला। ये देखिए ग्रीन वाला हमने ले लिया है, इसको ओके कर देंगे, इसको इस कोने में लेके जाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे घुमा देंगे दोस्तों, और यहाँ पे इसको हम सेट कर देंगे, ये देखिए, और ओके कर देंगे। तो चलिए कैसे लग रहा है अभी देखते हैं हम इसको। जो लाइम लाइट है इसको हम इसको खींच के दोस्तों पूरे स्क्रीन में हमने कर देना है, जहाँ तक हमारा स्क्रीन बना हुआ है। ये इसको भी सेम कर लेना है, इसको भी थोड़ा सा इसके बराबर कर लेंगे, और इसको हम आपस में मिला देंगे दोस्तों। देख लेते हैं, जो इनका साइज है दोस्तों सेम कर लेना है हमने, इनका जो साइज़ है थोड़ा सा यहाँ से मिला के इनको कर लेंगे सेम। क्या आप देख रहे हैं इनका जो साइज़ है दोस्तों अभी सेम हो चुका है। अभी आप अगर चाहे तो इसके ऊपर कोई गाना लगा सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको गाना बजा के दिखाऊंगा कि आप इसमें कौन सा गाना लगा सकते हैं। यहाँ से ओके कर देना है, और ये आपका दोस्तों गाना यहाँ से लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ से दोस्तों लंबा हो चुका है, इसको थोड़ा हम साइज़ इनका जो है बराबर कर लेना है दोस्तों। इनका जो साइज़ यहाँ से होता है तीनों का, सभी का बराबर कर लेना है। ये देखिए
इनका जो साइज है दोस्तों, यहाँ से एकदम बराबर कर लेना है सभी का, कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, और भी अगर आप चाहे दोस्तों तो इसके अंदर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ से जाएंगे आप ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए हर्ट शोवर है यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, और इसको इसके ऊपर क्लिक करके इसको कर देंगे लंबा यहाँ से। ये देखिए, यहाँ तक जहाँ तक अपना ये फ़ोटो है वहाँ तक हम कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करके बताइए। धन्यवाद।